हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आदर्श रुकावत। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर होने वाला है टॉर्च के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि एक कठोर या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे केस लॉज भी है, हम सारे केस लॉज देखने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टॉर्च के अंदर कितने प्रकार के दायित्व दे रखे हैं। तो टॉर्च के अंदर जो है दो प्रकार के दायित्वों को दिया गया है। पहला है सामान्य या साधारण दायित्व और दूसरा है कठोर या पूर्ण दायित्व। सामान्य या साधारण दायित्व जो है उनके अंदर, सामान्य या साधारण दायित्व के अंदर अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना होता है तो उसके लिए दो बातें आवश्यक होती है। परिवादी के खिलाफ दो बातों को साबित करना होता है, तब जाकर के उसे सामान्य या साधारण दायित्व के अंदर अपकृत का दोषी ठहराया जा सकता है। दो बातें कौन कौन सी होती है? पहली तो ये कि क्षति अथवा नुकसानी का होना, यानी कि जिसने वाद लाया उसे कोई ना कोई क्षति या नुकसानी हुई हो, चाहे वो आर्थिक क्षति हो या आर्थिक क्षति ना होकर के वो उसके अधिकारों की क्षति भी हो सकती है। उसके बाद दूसरी चीज है परिवादी की उपेक्षा हो, यानी कि परिवादी की कोई ना कोई गलती रही हो, उसने ऐसा काम जो किया है जिसकी वजह से वादी को नुकसान हुआ है वो उसने जानबूझकर किया हो, या उसकी उस काम में गलती रही हो जिसकी वजह से वादी को नुकसान हुआ हो। तो ये दो चीजें जब होंगी तो ही किसी व्यक्ति को सामान्य या साधारण दायित्व के अंदर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता है। परंतु कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब क्षति और नुकसानी तो हुई होती है, परंतु परिवादी की उपेक्षा, यानी कि परिवादी की गलती को या परिवादी ने ऐसा काम जानबूझकर किया है, इस बात को साबित करना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होता है कठोर या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत। कठोर या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत क्या कहता है? कठोर या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि पर कुछ ऐसी वस्तुएं या कुछ ऐसी चीज लेकर के आता है जो कि बहुत खतरनाक है, और जिन वस्तुओं के या जिन चीजों के उसकी भूमि या उसके क्षेत्र से बाहर जाने पर वो किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ऐसी वस्तुओं के प्रति उस व्यक्ति का विशेष ध्यान रखना या विशेष सावधानी रखने का दायित्व तो उत्पन्न हो जाता है। यही कठोर दायित्व का सिद्धांत कहलाता है। देख लेते हैं कठोर या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत क्या कहता है। कठोर या पूर्ण दायित्व के तीन मुख्य बिंदु है। इन मुख्य बिंदुओं को समझने से पहले हम इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज ये आप हैं, आपने एक कुत्ता पाल रखा है। अब आपका कुत्ता अगर किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है, गुस्से में आकर के वो किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है, तो इस कुत्ते के इस दूसरे व्यक्ति को काटने पर गलती किसकी मानी जाएगी? कुत्ते की मानी जाएगी या आपकी मानी जाएगी या इस व्यक्ति की जो यहाँ पास आया? ऐसी स्थिति में आप न्यायालय किसे गलत मानेगा? तो गलत कौन होगा, किसकी गलती मानी जाएगी? ये व्यक्ति की गलती मानी जाएगी, क्योंकि इसने अपने कुत्ते को संभाल कर नहीं रखा, बांध कर नहीं रखा। अगर इसे पता था कि भाई इस कुत्ते को छूट जाने पर ये किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो ये व्यक्ति को अपने कुत्ते को संभाल कर या बांध कर रखना चाहिए था। ठीक इसी प्रकार ये कठोर दायित्व का सिद्धांत काम करता है, यानी कि अगर किसी की भूमि में कोई खतरनाक वस्तु है तो उस व्यक्ति की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो उन वस्तुओं को ध्यान कुछ ज्यादा रखे, कुछ विशेष सावधानी बरते ऐसी वस्तुओं के प्रति। इसी के ऊपर एक बहुत ही फेमस केस है टॉर्च का, सबसे इंपॉर्टेंट केस है रिलेंट्स बनाम फ्लेचर। ये केस क्या कहता है? इस केस में हुआ था फ्लेचर जो है इस व्यक्ति की कोल की माइने थी, यानी कि जमीन के अंदर ये कोल खोदने का काम करता था। जमीन के अंदर इसकी काफी सारी माइने थी। फ्लेचर ने जो है ये जमीन जो है तीन व्यक्तियों से पट्टे पर ले रखी थी, और वो यहाँ पर माइन खोद रखता था और वहां से कोयलों को निकालता था। इसी माइन के दक्षिण दिशा की ओर एक फर्म थी, एक मिल थी। इस मिल में ये मिल थी रिलायंस की। इस मिल में पानी की जरूरत थी, तो रिलायंस ने एक अनुभवी इंजीनियर को हायर किया और उसने इस मिल के पास एक खड्डा खोदा। उस खड्डे को एक कुएंनुमा खड्डा खोदा और खड्डे में पानी भरने की इन्होंने सोची। जब ये खड्डा खोदा जा रहा था तो उसी खड्डे के पास इसकी जो ये माइंस थी वो माइंस थी। इंजीनियर ने उन्हें देख लिया, परंतु उन्हें भरना, उन माइंस को बंद करना ज़्यादा जरूरी नहीं समझा, और उस माइंस को बिना भरे ही उस खड्डे में इन्होंने पानी
पानी भरना शुरू कर दिया। जब इस खड्डे में पानी भरा गया तो इस पानी को, पानी के तलवे में ये पानी जमा नहीं हुआ और इसकी माइनों के अंदर घुस गया, जिसके कारण इसकी माइन पूरी पानी से भर गई और इसके कोल का काम ठप पड़ गया। इस व्यक्ति को, फ्लेचर को, रिलेंट के इस काम की वजह से इसकी पूरी माइंस बंद हो गई और इसे नुकसान उठाना पड़ा। जब इसने वाद दायर किया तो फ्लेचर ने जब वाद दायर किया तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि रिलेंट्स को इसके लिए जो है क्षतिपूर्ति देनी होगी। परंतु रिलेंट्स ने यह कहा कि मैंने तो एक अनुभवी इंजीनियर को हायर किया था, ये उसका काम था ये देखना। तो इस स्थिति में न्यायालय ने यह कहा कि ये कठोर दायित्व का सिद्धांत उत्पन्न होता है, ये आपकी भूमि थी और इस इंजीनियर को आपने हायर किया, तो आपको विशेष सावधानी बरतनी थी, इंजीनियर आपके कहने पर कार्य कर रहा था, तो इसमें आपकी गलती, आपको विशेष सावधानी बरतनी थी। यानी कि कठोर दायित्व का सिद्धांत कुल मिलाकर ये कहता है कि अपनी भूमि में, किसी व्यक्ति की भूमि में अगर कोई खतरनाक चीज है तो उस खतरनाक चीज की देखभाल करना, उसकी विशेष सावधानी रखना उस व्यक्ति की ही जिम्मेदारी है। अगर वो व्यक्ति किसी पलायन करके किसी अन्य को हानि पहुंचाती है तो यह व्यक्ति ही इसका दोषी माना जाएगा, इसी को क्षतिपूर्ति देनी होगी। अब इन केसेस के बाद इसमें एक और भी केस है, जैसे गैस कांड, भोपाल गैस त्रासदी, यह भी कठोर पुण्य दायित्व के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है। उसमें गैस का रिसाव हो गया था और इसमें पानी का रिसाव हुआ था। अब इन सारे केसेस के बाद इन तीन पॉइंटों को निकाला जा सकता है जो कि कठोर या पूर्ण दायित्व के लिए किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए आवश्यक है। ये तीन बातें जब किसी में होगी, किसी केस में होगी, तो उस केस में कठोर या पूर्ण दायित्व उत्पन्न होता है। पहली बात क्या है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमि पर ऐसी कोई वस्तु लाना या रखना जिसके पलायन करने पर रिश्ते कारित होने की संभावना हो। यहाँ पर वो वस्तु क्या थी, पानी थी, और भोपाल केस त्रासदी में वो वस्तु क्या थी, गैस थी। सेकंड, ऐसी वस्तु का पलायन कर जाना, यहाँ पर पानी उसकी भूमि से बाहर निकलकर, उसके कुएं से बाहर निकलकर फ्लेचर की माइंस में घुस गया था, और भोपाल गैस त्रासदी में भी उनकी फैक्ट्री से गैस बाहर निकलकर पूरे शहर में फैल गई थी। और तीसरा पॉइंट है अपनी भूमि का अप्राकृतिक उपयोग करना। अप्राकृतिक उपयोग करना मतलब जो सामान्य लोग जिस प्रकार से भूमि का उपयोग करते हैं उस प्रकार से भूमि का उपयोग न करके कहीं अन्य प्रकार से, किसी अन्य तरीके से उस भूमि का उपयोग करना, जैसे किसी भूमि पर पेट्रोल इकट्ठा करना, किसी भूमि पर गैस का इकट्ठा करना, ये सारे अप्राकृतिक उपयोग है। इसे सामान्य व्यक्ति ऐसा भूमि का उपयोग नहीं करते, कुछ व्यक्ति ही ऐसा उपयोग करते हैं, तो ये अप्राकृतिक उपयोग है। यानी कि इन तीनों में से जब कोई बात होती है और उसकी वजह से किसी व्यक्ति को हानि पहुंचती है तो उस व्यक्ति को कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंदर या पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के अंदर अप्रकृत्य का दोषी ठहराया जा सकता है। अब हम कठोर दायित्व के सिद्धांत को तो देख चुके हैं, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी है, यानी कि इसके कुछ बचाव भी है। कुछ केसेस में, यानी कि कुछ स्थितियों में कठोर या पूर्ण दायित्व का सिद्धांत लागू नहीं होता। वो स्थितियां, ये छह स्थितियां हैं, इन्हें हम पहले देख लेते हैं। देवी अथवा ईश्वरीय कृत्य, यानी कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण, या कोई इस प्रकार से नुकसान होता है कि उस नुकसान में किसी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं होता है, किसी व्यक्ति का उस घटना पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, वो प्राकृतिक होती है, तो ऐसी घटना देवी या ईश्वरीय कृत्य कहलाती है और उसमें किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। जैसे कि ए और बी व्यक्ति है, इन दोनों का पास पास में घर है। ए व्यक्ति के घर में एक पेड़ है जिस पेड़ पर बिजली गिरती है और वो पेड़ यहाँ से टूट करके आधा और बी व्यक्ति के घर में गिर जाता है और उसके घर को क्षति हो जाती है, उसके घर को नुकसान पहुंच जाता है। तो ऐसी स्थिति में बी व्यक्ति ए व्यक्ति के ऊपर वाद नहीं दायर कर सकता, या वाद दायर करता है तो ए व्यक्ति जो है देवी या ईश्वरीय कृत्य का बचाव ले सकता है, क्योंकि बिजली गिरने पर इस ए व्यक्ति का कोई कंट्रोल नहीं था, यह दैवीय घटना थी। इसी का एक फेमस केस है निकोल्स बनाम मार्शल। इस स्थिति में, इसमें क्या हुआ था कि मार्शल का जो है एक कुआं था, उस कुएं को बनाने के बाद उस कुएं को उसने सरकारी सारे नियमों का पालन करके ही बनाया था और जो भी नॉर्म्स थे उन सभी का पालन किया था, जितना मजबूत उसे बनाना था उतना उसे मजबूत बनाया भी था। परंतु बहुत ज्यादा बारिश के कारण वो कुआं टूट गया और टूटने के कारण उसका पानी बाहर बह गया, जिसके कारण निकोल्स की जो जमीन थी वहां पर भी वो पानी चला गया और उसकी संपत्ति को नुकसान हुआ। तो इस स्थिति में जब निकोल्स ने मार्शल के ऊपर वाद दायर किया तो कोर्ट ने इसे दैवी या ईश्वरीय कृत्य मानते हुए मार्शल को क्षतिपूर्ति देने के लिए उपयुक्त नहीं माना, यानी कि मार्शल को नहीं कहा कि यह इसे क्षतिपूर्ति देगा। इसी प्रकार दूसरा अपवाद है
अनजान व्यक्ति द्वारा कृत्य। यानी कि कोई ए और बी दो व्यक्ति हैं, अगर ए व्यक्ति की भूमि में ऐसी कोई खतरनाक वस्तु पड़ी है जिसके पलायन करने पर दूसरे व्यक्ति को नुकसान हो सकता है, परंतु ए व्यक्ति उस भूमि का उस चीज का अच्छे से ध्यान रखता है, परंतु किसी सी व्यक्ति ने उसकी भूमि में हस्तक्षेप करके उस चीज को बाहर निकाल दिया या उस चीज में अवरोध उत्पन्न कर दिया जिससे बी को नुकसान हुआ या बी को क्षति हुई, तो ऐसी स्थिति में बी व्यक्ति ए व्यक्ति के ऊपर वाद नहीं ला सकता है, या वाद लाता भी है तो ए व्यक्ति अनजान व्यक्ति द्वारा किए गए कृत्य का बचाव ले सकता है। इसे भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। बॉक्स वर्सेस जू, ये केस था। इस केस में जू का जो है एक कुआ था, उस कुएं में एक नाली का सिस्टम लगा रखा था, जिस नाली के सिस्टम में क्या होता था कि कुआ जब अधिक भर जाता था तो उस कुएं का अधिक पानी इस नाली से बहता हुआ शहर के बाहर चला जाता था, परंतु किसी एक अनजान व्यक्ति ने इस नाली को बंद कर दिया। नाली के बंद करने की वजह से इस कुएं का जो पानी नाली के अंदर से बहता था वो नाली के बंद हो जाने के कारण पूरा भर गया और नाली से बाहर आ गया, जिसकी वजह से बॉक्स को नुकसान हुआ। तो जब बॉक्स ने जूप के ऊपर केस दायर किया तो न्यायालय ने इसे भी अनजान व्यक्ति द्वारा किया गया कृत्य माना और जूप को जो है क्षतिपूर्ति देने के लिए उपयुक्त नहीं माना। तीसरा इसका एक एग्जाम्पल है, तीसरा इसका जो बचाव है वो है भूमि का स्वाभाविक उपयोग। यहाँ हमने देखा था कि भूमि का अप्राकृतिक उपयोग किया जाना, यानी कि कोई ऐसा उपयोग किया जाना जो सामान्य लोग नहीं करते हैं, परंतु अगर भूमि का स्वाभाविक उपयोग किया जा रहा है और उसके बाद भी किसी व्यक्ति को नुकसान हो जाता है तो उसे भी कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंदर नहीं माना जाएगा। इसका भी एक फेमस केस है, सोचारी वर्सेस सेस। इस केस में क्या हुआ था कि सेस जो है अपनी भूमि के अंदर रोज आग जलाता था और उस पर खाना बनाता था, वो उस आग का अच्छे से ध्यान भी रखता था और आग इतनी ज्यादा भी नहीं होती थी कि जिसकी वजह से किसी को नुकसान हो जाए, परंतु सेस के पूरी तरह से सावधानी बरतने के बाद भी किसी तरह से वो आग जो है इसके पड़ोसी सोचाकी के अंदर चली जाती है, सोचाकी की भूमि के अंदर चली जाती है और इसका कुछ सामान जल जाता है, जिसके कारण सोचाकी सेस पर केस करता है। परंतु आग जलाना जो है न्यायालय ने, जब ये केस हुआ तो न्यायालय ने ये कहा कि आग का प्रयोग जो है सभी घरों में सामान्य रूप से होता है, यह एक स्वाभाविक उपयोग है, खाना बनाने के लिए या अन्य कामों के लिए आग का, छोटी आग का या कम मात्रा में लगाई गई आग का उपयोग सभी व्यक्ति करते हैं, इसी वजह से इसे कठोर दायित्व के सिद्धांत के अंदर नहीं माना जा सकता। इसी प्रकार एक और बचाव है, वादी की सहमति हो रही हो, यानी कि किसी भूमि के अंदर खतरनाक चीज को लाने के लिए अगर वादी ने भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहमति दे रखी है और उस सहमति के देने के बाद भी अगर उस भूमि से वो खतरनाक चीज बाहर निकल जाती है और वादी को नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में भी उसे जो है कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा, वो भी एक अपवाद या बचाव के रूप में, कठोर या पूर्ण दायित्व का बचाव के रूप में कार्य करेगा। पांचवा पॉइंट है स्वयं वादी की गलती होना। अगर किसी केस में या किसी भूमि के अंदर कोई खतरनाक वस्तु है, उस वस्तु को बाहर निकलने में स्वयं वादी की गलती रही हो, जैसे कि इसे एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसका एक फेमस केस है पोटिक वर्सेस नोकेश। इस केस में क्या हुआ था, नोकेश की जो भूमि है इस भूमि में कुछ जहरीली घास उग रही थी, जहरीली घास उगने के बाद नोकेश ने पूरी सावधानी रखी थी, अपनी भूमि पर चारों ओर बाउंड्री करा रखी थी, ऊंची ऊंची दीवार थी और इस दीवार के बाद भी ये पूरा ताला रखता था दरवाजे के और पूरी सावधानी बरतता था, परंतु एक दिन पोकिट ने अपने घोड़ों को इस दीवार के पास ला करके बांध दिया। दीवार के पास घोड़ों को बांधने की वजह से घोड़ों ने दीवार से लटक रही उस घास को खा लिया और उस घास को खाने की वजह से पोकिट के घोड़े मर गए। घोड़ों के मरने पर पोकिट ने जब नोकेश के ऊपर वाद दायर किया तो कोर्ट ने यह कहा कि यह वादी की स्वयं की गलती है, उसने उसे जब पता था कि यहाँ जहरीली घास उग रही है तो उसने अपने घोड़ों को यहाँ पर क्यों बांधा, यानी कि यहाँ पर स्वयं वादी की गलती मानी गई। जब अगर किसी बात में स्वयं वादी की गलती होगी तो उसे भी कठोर या पूर्ण दायित्व के अंदर नहीं माना जाएगा, उसे भी एक बचाव के रूप में प्रयोग किया जाएगा, यानी कि वादी की गलती होगी तो उसे कठोर या पूर्ण दायित्व के रूप में मान करके उसे जो है क्षतिपूर्ति नहीं दिलाई जाएगी। अब सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट है सामान्य लाभ। सामान्य लाभ यानी अगर किसी भूमि में खतरनाक चीजों को लाने पर
वादी और प्रतिवादी दोनों को लाभ मिल रहा है, दोनों को फायदा होता है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी चीज के पलायन करने पर कोई भी व्यक्ति वाद नहीं ला सकता। इसी का एक केस है कार्टेशियस वर्सेस टेलर। इसमें क्या हुआ था कि इसमें चूहों ने जो है पानी की पाइपलाइन काट दी थी। एक घर में जब कुछ व्यक्ति रहते थे, उन्होंने अपने दोनों के फायदों के लिए एक पानी की पाइपलाइन बिछा रखी थी, जिस पाइपलाइन को चूहों ने काट लिया। चूहों के काटने की वजह से जो है टेलर के कुछ सामान को नुकसान हो गया। उस सामान को नुकसान होने के बाद जब इसने वाद दायर किया, तो वाद दायर करने पर न्यायालय ने यह कहा कि भाई इसमें जो है दोनों का सामान्य लाभ था, दोनों के सामान्य लाभ के लिए वो पानी की पाइपलाइन का लगाई गई थी और उस पाइपलाइन का दोनों बराबर उपयोग करते थे, दोनों का उस पाइपलाइन से लाभ मिलता था। तो ऐसी स्थिति में भी न्यायालय ने इसे कठोर दायित्व के अंदर नहीं माना और इसे एक बचाव के रूप में माना। एक बार हम इसे वापस देख लेते हैं। कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या कहता है? कठोर दायित्व का सिद्धांत यह कहता है कि किसी भूमि पर कोई खतरनाक वस्तु लाने पर उस व्यक्ति का विशेष दायित्व बन जाता है उसकी सतर्क उसके उसके प्रति सतर्क रहने का या उस सावधानी बरतने का। अगर कोई व्यक्ति ऐसी वस्तुओं को लाता है और उस वस्तुओं का पलायन हो जाता है जिसके कारण किसी व्यक्ति को नुकसान होता है, तो वो व्यक्ति कठोर या पूर्ण दायित्व के अंदर आएगा। उसे कठोर या पूर्ण दायित्व के अंदर वाद दायर किया जा सकता है और कठोर या पूर्ण दायित्व के अंदर उसे क्षतिपूर्ति देनी होगी। अपकृत्य का वो दोषी माना जाएगा। आप हमें कमेंट में करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आप अपना लेक्चर चाहते हैं। धन्यवाद।